दिल्ली में 12वीं की छात्रा पर तेजाब फेंकने की वारदात के बाद अब फिर सवाल उठ रहा है कि राजधानी में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। वही यह जानने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम दिल्ली के विवेकानंद महिला कॉलेज पहुंची और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से जाना कि वो क्या सोचती हैं, दिल्ली में लड़कियों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। द्वारका जिले में कल सुबह 7:30 बजे 17 साल की लड़की के साथ एसिड अटैक हुआ। इसी को लेके हम आज विवेकानंद महिला कॉलेज पहुंचे, वहाँ कुछ लड़कियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। इनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐश्वर्य है, मैं बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ। ऐश्वर्य जी, कल द्वारका में लड़की के साथ एसिड अटैक हुआ है, कितना महसूस करते हैं आप? बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि एक लड़की से, एक बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर अगर हम भी आते हैं तो हमारे घर से फ़ोन वगैरह आती रहती है, कहाँ पे पहुँची हो, कहाँ नहीं पहुँची हो। और घर वाले ने तो ये भी कह दिया है कि ऐसा कुछ कारनामे बाहर हो रहे हैं तो तुम भी अब मत जाओ, अब घर के अंदर ही पढ़ाई करो। तो हमें, मेरे ऊपर भी ऐसे बाउंडेशन मतलब कि लागू हो रहा है कि नहीं जाना है। जो एसिड अटैक हुआ था कल, बताया गया कि फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? सर, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि कॉमन लोगों के साथ क्या हो रहा है। शायद उनको इस बात का एहसास तब होगा तब उनकी बहन बेटियों के साथ ही होगा। और इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि उन्होंने हमें बस की सुविधा दी तो है, लेकिन बस में लड़कियों के साथ जो होता है वो शायद लड़कियों को ही समझ आता है। क्योंकि जैसे जो एसिड मंगाया गया था ऑनलाइन से, क्या कहेंगे उस पर? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि ये फ्लिपकार्ट पे ऐसी चीज़ें मिलती है, उनको ये सोचना चाहिए कि इन पे पाबंदी लगे, कि इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगे कि कौन कौन इसे ले सकता है। ऐसे खुले में होगा तो ऐसे तो होंगे ही लड़के। हमारे साथ और कुछ छात्रा हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना? क्या नाम है आपका? सौम्या। जी, इस हिसाब से दिल्ली में दिन पर दिन लड़कियों के साथ ऐसे घटना हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो सरकार है उसको आगे आना पड़ेगा, सरकार को आगे ऐसी स्कीम्स या लॉज बनाने पड़ेंगे ताकि गर्ल्स सेफ महसूस कर सकें। और ऐसे एरिया जहाँ पर गर्ल्स के साथ होता है वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और ऐसे भी लॉज निकालने चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो फ्लिपकार्ट है उससे एसिड मंगाया गया था, तो उसमें भी ऐसे कुछ वो लगने चाहिए कि कौन कौन इसको खरीद सकता है और कौन कौन ले सकता है। और गवर्नमेंट को हर किसी ट्रांजैक्शन पे अपनी अपनी नज़रें रखनी चाहिए कि कौन क्या खरीद रहा है और किस उससे खरीद रहा है। तो बस मेरा यही मानना है। और लॉज को एग्जीक्यूट अच्छे से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने लॉ बना दिया और लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं करते। और सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके लिए, जैसे दिन पर दिन लड़की के साथ ऐसे क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को इसमें लॉज वगैरह तो बनाने चाहिए, साथ में उसके साथ अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये बनाया क्यों गया है और इसमें करना क्यों करना है इसे, ताकि वो खुद इसे फॉलो कर सके और मोटिवेशन हो उन्हें फॉलो करने के लिए। आप जैसे कॉलेज में आते हैं सुरक्षित, जैसे बाहर निकलने के बाद कितना अनसेफ करते हैं? सेफ तो हम कहीं भी नहीं है। इवन जैसे आजकल केसेस आते हैं तो घर में भी होता ही है, पर लेकिन फिर भी घर से निकलने के बाद तो लगता ही नहीं है कि मतलब हम सेफ है या नहीं है। खुद ही हमें देखना पड़ता है कि हम किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और वो कैसा है, खुद ही समझना पड़ता है। तो ये थे कुछ छात्रों लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लड़कियां यहां पर सेफ नहीं है, सरकार को कुछ सोचना होगा इस कदम पर। रवि डालमिया, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।